खेत की रखवाली कर रहे किसान की बीती रात अज्ञात बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आपको बता दें मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। खून से लथपथ पड़ी लाश नरेंद्र किसान की है जो बिजनौर के महेश्वरी का रहने वाला था। नरेंद्र अपने घर से खेतों पर पानी देने के लिए जंगल गया था। बीती रात 8 बजे के आसपास अज्ञात बदमाशों ने किसान नरेंद्र की कनपट्टी से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही किसान नरेंद्र औंधे मुंह गिर गया और जिससे नरेंद्र की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के अफसरों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रातः लगभग 8 बजे थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि रहमापुर के जंगल में अजय पाल सिंह के खेत में एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली देहात एवं क्षेत्राधिकारी नगीना मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। आसपास के गांव के लोग भी आ गए। शव की पहचान नरेंद्र सिंह सनाफ रूपचंद सिंह निवासी इस्लामपुर बिश्नोईवाला के रूप में हुई। शव को देखने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा सर में गोली मारकर हत्या की गई है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के बेटे की तहरीर पर हत्या के का मुकदमा दर्ज करके इसकी विवेचना की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर घटना की जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण करके दोषियों को कड़ी से सजा दिलाई जाएगी।